हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता, तो उसके लिए हमने एक लौकी ले ली है। इसको हम वॉश करके कट कर लेंगे। लौकी का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लौकी को पील करके ले लिया है। इसका हमने अच्छे से छिलका हटा दिया है। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। आप चाहें तो लौकी को छोटा छोटा कट करके भी उसका रायता बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लौकी को ग्रेट करके लेंगे। यहाँ पर जो लौकी के बीज वगैरह हैं, इनको हमें निकाल करके साफ़ कर देना है। ये रायते में अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम इनको निकाल करके साफ़ कर लेंगे। हमने एक ग्रेटर ले लिया है और लौकी के बीज हटाने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, सारी लौकी को हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको बॉयल करेंगे। हमने एक पैन ले लिया है। अब इसमें हमने जो ये लौकी को ग्रेट करके रखा था उसको डाल देंगे और लगभग आधा कटोरी इसमें हम पानी भी ऐड कर देंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि लौकी हमारी नीचे से जले नहीं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। लौकी को हमने गैस के ऊपर रख दिया है और हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और लौकी को बॉयल होने देंगे। इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए, लौकी हमारी बॉयल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और लौकी को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर देखिए, लौकी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने निकाल दिया है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे हम एक कटोरी भर करके ये दही। दही यहाँ पर हम फुल क्रीम यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक विस्कर लेंगे और इसको अच्छे से हम विस्क कर लेंगे, दही में कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। दही को हमने बहुत ही अच्छे से विस्क कर लिया है। अब जो हमने लौकी ली थी इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं बारीक कुटी हुई ये काली मिर्च। काली मिर्च डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर रायते में डालते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं लगभग 2 पिंच काली मिर्च। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून व्हाइट सॉल्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक टेस्टी सा तड़का। गैस के ऊपर हमने अपना तड़का पैन रख लिया है। उसमें हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया है। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। ज़ीरा हमारा बहुत ही अच्छे से क्रैकल हो रहा है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हम यहाँ पर 1 हरी मिर्च ले रहे हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, नहीं तो ज़ीरा ज़्यादा फ्राई हो जाएगा और उसका टेस्ट कड़वा हो सकता है। मिर्च के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हींग। तड़के को हल्का सा हिला देंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको रायते के ऊपर डालेंगे। ये देखिए, तड़के को अब हम अपने रायते के ऊपर डाल देंगे। तड़के को रायते के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, तड़का हमारा लग चुका है रायते में और रायता सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अपने हेल्दी और टेस्टी रायते को सर्व करने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक सर्विंग बॉल ले लिया है और अब हम इसमें सर्व करेंगे अपना यमी यमी टेस्टी टेस्टी हेल्दी हेल्दी रायता। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा यमी रायता हमारा दिख रहा है। थोड़ा सा तड़का 1 स्पून में हमने निकाल लिया था, वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। वाओ, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा बारीक कुटा हुआ काली मिर्च और इसी के साथ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। इस तरीके से हम इसको गार्निश कर लेंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है रायते में।
वाओ, ये लीजिए हमने अपना हेल्दी और टेस्टी लौकी का रायता सर्व कर लिया है। देखने में बहुत ही ज्यादा यमी लग रहा है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हम बनाने जा रहे हैं बुरानी रायता। बुरानी रायता के लिए हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें डाल लेंगे हम ये एक कटोरी दही। अब हम एक विस्कर लेंगे और इसको अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। और ये लीजिए दही को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। अब हमने ली हैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, इनको हमने अच्छे से छील करके इनका छिलका हटा दिया है। अब हम इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए लहसुन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हमने गैस का फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर तड़का पैन रख लिया है और उसमें डाल दिया है लगभग 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब जो हमने बारीक चॉप करके लहसुन लिया था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए गार्लिक का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब अपने तड़के को थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। हमने एक कटोरी ले ली है और जो हमने लहसुन को गोल्डन ब्राउन करके रखा है उसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा तड़का हम सेव कर लेंगे, इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे। अब जो हमने दही फेट करके रखा था उसमें हम डाल देंगे काला नमक, इसी के साथ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा पाउडर, ये डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने लहसुन का तड़का तैयार किया था और उसके ऑयल में ये जो मिक्सचर हमने दही का बनाया है इसको ऐड कर देंगे। वाओ, ये देखिए कितना क्रीमी हमारा दही है यहाँ पर। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा हमारा रायता बना है। थोड़ा सा स्लाइसेस में कट किया हुआ गार्लिक और 2 मिर्च हमने इस तरीके से फ्राई करके और ले ली हैं, इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे, इससे इसकी बहुत ही अच्छी गार्निशिंग हो जाती है। साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च और वाओ, ये देखिए बहुत ही अच्छा तड़के वाला रायता हमारा बन करके तैयार हुआ है। इसको आप इंजॉय करिए कबाब के साथ, बिरयानी के साथ, और आप पराठे और पूड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये रायता। अब हम बनाएंगे गाजर का रायता। उसके लिए हमने यहाँ पर ये 4 गाजर ली हैं, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए गाजर को हमने ग्रेट करके ले लिया है, इसके बीच में जो हार्ड पार्ट होता है उसको हमने रिमूव कर दिया है और इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख ली है, उसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत राई, राई को क्रैकल होने देंगे। राई डालने के तुरंत बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा। जीरा और राई बहुत ही अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ 2 पिंच हींग। अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते। अब जो हमने गाजर को ग्रेट करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाजर को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी दही। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाएँ। दही को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब जो गाजर को फ्राई करके हमने रखा था उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर गाजर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। वाओ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी हमारा गाजर का रायता बन चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे।
वाओ, ये देखिए कितना अच्छा रायता हमारा बना है। वाओ, ये देखिए हमने अपने रायते की प्लेटिंग कर ली है। थोड़ा सा तड़का हमने इसके ऊपर से भी डाला है जस्ट फॉर गार्निशिंग। बहुत ही अच्छा लगता है ये रायता।